अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैं स्टूडियो में बेसिकली कर रहा था, वीडियो बना रहा था। ये स्टैंड है हमारा और माइक वगैरह मार्कर्स पड़ी हैं, और ये बोर्ड पे अभी मेरा एक लेक्चर हुआ है। तो असल में हम आज ना काम बहुत ज़्यादा किया है हमने, तो लैब वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक टफ़ रूटीन थी। तो ये बोर्ड पे अभी लेक्चर काट के अभी एक चीज़ आपको दिखानी है, लैब का विज़िट करवाते हैं आए सर। तो इतना ज़्यादा काम किया, बच्चों के प्रैक्टिकल्स करवाए हैं और प्लस उसके हवाले से ये देखें, ये केमिस्ट्री लैब है, ये इसका विज़िट करें। अभी इसको खुद अपनी निगरानी में क्लीन करवाया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल जो है ना हमारे पास जो केमिकल अपरेटस वगैरह हैं, ये देखें उनको सेट करवाया है, उन पे उनकी नंबरिंग करवाई है। प्लस जो अपरेटस हैं उनको जो बिल्कुल साफ़ होने के काबिल नहीं थे उनको साफ़ किया है और अपनी निगरानी में करवाया है। टोटल जो है ना क्लीन इन्वायरमेंट, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है और साथ साथ क्लीननेस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना आज तकरीबन कह सकते हैं कि पिछले 4-5 घंटों से इतना ज़्यादा बिजी हैं कि मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मुझे सर कह रहे थे कि यार मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, ऐसा ही है सर। तो सर मेरे ख्याल में अभी तक सर ने हाथ भी नहीं धोए, तो इतनी ज़्यादा थकावट हुई हुई है। तो ये हमारे पास जो है ना केमिकल लाग गया, जैसे कि ये देखें इसके केसर बड़ा है, ठीक है। तो अभी मैं ना आप लोगों को एक लैब का विज़िट करवाता हूँ जो हमारे पास बायो लैब है, जो सर ने मेंटेन की है। तो उस हवाले से अगर देखें, ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के हवाले से दिखा रहे हैं आपको कि कितना ज़्यादा जो है ना लैब में हमें टफ़ काम करना पड़ता है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करवाने पड़ते हैं। ऐसा ही ना, जब तक सर रिज़ल्ट नहीं आते तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे मुतमिन नहीं होते। ऐसा ही है, बच्चों को उनके एक्यूरेट रिज़ल्ट दे के देना ये बहुत बड़ा काम होता है। और ये देखें माइक्रोस्कोपिक जो है, माइक्रोस्कोप हमारे पास सर ने मेंशन की है, बड़ा हार्ड काम किया। ये अगर देखें मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले ये सैंपल्स हैं, तो इन सैंपल्स के साथ साथ आगे देखें वो केमिकल्स पड़े हैं, और केमिकल्स के आगे स्टैंड और उसके तमाम ऑपरेटर्स, और ये ऊपर तमाम जो है ना हमारे पास चार्ट वगैरह लगे हुए हैं। दूसरी साइड पर ये बच्चों के बैठने के साथ साथ वो देखें माइक्रोस्कोप हैं, और उसके साथ आगे जो है ना हमारे पास उसके सैंपल्स पड़े हैं और माइक्रोस्कोप, तमाम किस्म की माइक्रोस्कोप पड़ी हैं हमारे पास। वहाँ बीपी ऑपरेटर्स पड़ा है, और कल हम ना सर से बीपी ऑपरेटर्स करना भी सीखेंगे कि आप जो है ना बीपी ऑपरेटर्स से, यानी आपका ब्लड जो है लेवल कितना है, क्या उसका ब्लड प्रेशर आपका हाई है या लो है, इस चीज़ को हम सीखेंगे। ये एक देखें, मतलब मैंने ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा लाइफ का जो है ना चेक करवाया जाए कि मतलब इसको, इस इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए या इस चीज़ को बिल्कुल जो मेंटेन करने के लिए कितना ज़्यादा हमें हैवी काम करना पड़ता है। मतलब आप यहाँ देखें ना, बिल्कुल इवन के ये इतना क्लीन है कि अभी शाइन कर रहा है। तो इससे पहले अगर मैं आपको इसका हाल दिखा देता तो आप लोग जो है ना बड़े हैरान होते। तो अभी सर के चेहरे पर स्माइल भी नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से इतना ज़्यादा थक चुके हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ आप लोगों की दुआएँ चाहिए कि स्टूडेंट को जो है ना सामने सामने पहले पिक्चर सामने बनाई, फिर उन लोगों को जो है ना आज फ्रोक यानी मेंढक का जो है ना ऑपरेशन किया है, तो मेंढक के तमाम ऑर्गेनिज़म्स वगैरह सारे करके दिखाए हैं। सर कैसी है आज का आपका रहा मेंढक के हवाले से जो बच्चों को ऑपरेटिस करके दिखाया? सर एक्चुअली बात ये है कि बच्चों ने सीखा बहुत कुछ और सीखने के साथ साथ इंजॉय बहुत किया। अच्छा, मतलब बच्चों का एक पैशन होता है कि हम साइंस में जा रहे हैं और स्पेशली हम मेडिकल साइंसेज में जा रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ करें ऐसा कि पता चले कि हम मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं। ओके तो इसी वजह से जब स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आया और उन्होंने डाइसेक्शन की, जब उनको बताया उसके बारे में सारा, तो बच्चों का जो जोश था वो दीदनी था, लगता था कि हाँ बच्चे जो है वो वाकई लर्न करने आए और हम भी कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि दिन हेक्टिक ज़रूर था, मेहनत करने वाला था, लेकिन बच्चे सीख कर ज़रूर। हाँ, मतलब मैं मेरा सेम ये मेरा भी यही ओपिनियन है। मेरे पास केमिस्ट्री के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, मतलब मुझे बच्चों से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जब उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स लिए, मैंने उसकी पिक्चर्स ली, और मतलब जब आप किसी बच्चे को काम करवा रहे होते हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से समझ रहे होते हैं, और उसमें सर प्रैक्टिकल में हमारे पाकिस्तान में वैसे भी बच्चे जो है ना इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन हमारे बच्चों ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, जो काम किया, क्योंकि इन बच्चों ने कोरोना की वजह से पहले 9th-10th में प्रैक्टिकल नहीं किए हुए, तो अब ये हमारे पास सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो करवाना तो हम रहे हैं, और लेकिन जो बच्चों का इंटरेस्ट है ना वो हमें बहुत जो है ना फैसिनेट कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और उस रिजल्ट्स जो वो हमें बच्चे निकाल के दिखाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, और जो उनके रिज़ल्ट एक्यूरेट आते हैं हम समझाते हैं,
तो हमें ज़्यादा खुशी होती है एज अ टीचर जब बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और आप देखें कि जैसे हमने डाइसेक्शन की एक्सपेरिमेंट की, उसमें जो बच्चों का काम था, फिर इसी तरह जो हमने माइक्रोस्कोपी की, बिलीव मी सर, कॉलेज लेवल पे सेकेंड ईयर पे कभी भी ऐसा बच्चे रिजल्ट नहीं दिखाते जो मैंने देखा है। हमारे बच्चे मतलब इतना जोश से काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट भी एग्जैक्ट एक्यूरेट आ रहे थे, कि मैं मतलब बहुत खुश हुआ कि हमारे बच्चे जोश से काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर, मुझे आपने कल भी डिटेल से बताया था कि आपने बच्चों को माइक्रोस्कोप चलाना और उसके बारे में बताना इतना अच्छे से बता दिया जितना यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं अच्छे से बताते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि आप लोगों को कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता चले कि लैब्स के अंदर जो है ना एक टीचर्स की फीलिंग क्या होती हैं, लाइक उस लैब को मेंटेन करने में, क्लीनिंग करवाने में और चीज़ों को प्रैक्टिकल करवाने में, और एक ख़ास तौर पे रिज़ल्ट जब बच्चे देते हैं तो हमें कैसा अच्छा लगता है, और प्रैक्टिकल कैसे हम जो है ना करवाते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।